नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भाग नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भज भीषनाथम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यश्व च वक्षसि यस्यास्ति संबीत त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तस्माद् गुरु पिपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयं तस्माद् गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयं गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए अपना कृतित्व अभिमान को त्याग देना ही शरणागति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी ने बताए अपना कृतित्व अभिमान को त्याग देना ही वास्तव भक्ति। सरंग शरणागति हईबे जहार ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सरंग शरणागति नहीं सिद्ध होने से हमारा पुकार ठाकुर जी तक पहुँचते नहीं। दैन्य आत्मनिवेदन गोपतित्य वरण अवश्य रक्षिबेन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर शिकार भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। सरंग शरणागति हईबे जहार ताहारो प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। ये शास्त्रों का विचार है और यहाँ स्वयं भगवान गुरु बन के बैठा और अर्जुन भी बद्धजीव नहीं है लेकिन बद्धजीवों का तमाम बद्धजीवों का तरफ से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा है। सरंग शरणागति अभी अर्जुन का अंदर में दिखाई नहीं पड़ता और बातें कर रहे हैं कि पंडितों को माफी जैसे वैराग्यों को प्राप्त हो गया। भागवत जी महापुराण का जो महिमा वर्णन है उसमें एक श्लोक है असार संसार खलु दुख स्वरूप विमा कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते अनिशम। असार संसार खलु जो भक्ति में ठाकुर कीर्तन भक्ति में ठाकुर कीर्तन में बताए किसेर संसार यही छायाबाजी पाए इहाते ममता करी बिथा दिन जाए। भक्ति में ठाकुर जी ने कीर्तन एक ही बात किसेर संसार कहाँ से संसार आया कहाँ से ये संसार कहाँ से आया जो संसार का विषय में
उलझे हुए हो। आया कहाँ से ये संसार, किसेर संसार ये छायाबाजी पाए, यहाँ ते ममता कोरी बिथा दिन जाए। आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इस चीजों में हम अपना समय को खराब कर रहे हैं, यही तो बात है। संसार कहाँ से आया, छायाबाजी पाए, जैसे माइरेज है ना, मरु भूमि में, मरुदान में, मरुभूमि में, वहाँ पानी दिखाई पड़ता दूर, हिरण और कोई भी पशु या तो कोई मानव है तो दौड़ रहा है, पानी प्यास लगा बहुत दूर, दौड़ते दौड़ते पानी जहाँ दिखाई पड़ा वहाँ पहुँचा, यहाँ तो पानी नहीं है और थोड़ा दूर है, और दौड़ा, दौड़ते दौड़ते वहाँ जाके भी देखा पानी तो यहाँ नहीं और दूर है। इसको इल्यूजन, माया, मरीचिका, माइरेज इत्यादि बोले जाते। ये तेज तत्व का एक मैजिक है, तेज तत्व बालू का एडजेसेंट एयर लेयर जो है, वायु का जो लेयर है वो गर्म होके ऊपर चला था, ऊपर से इधर उधर ठंडा वायु नीचे आ रहा, ऐसा करके तेज तत्व का एक मैजिक स्पेल है भाई, वो कंपन दिखाई देता, जैसे कि लगता है कि पानी है उधर, ऐसा लगता है, असलियत में पानी तो है नहीं। एक ही बात है, ये संसार में तमाम आदमी दो दिन का जिंदगी, ठिकाना नहीं है कि कब चले जाए दुनिया छोड़ के, हिसाब किताब तो है नहीं। शिला परीक्षित महाराज जी का 507 दिन का मेहलत मिला था, हमारा पास तो एक सेकेंड बाद भी कोई गारंटी नहीं है। शिला परीक्षित महाराज जी का 7 दिन का मेहलत मिला, ठीक है 7 दिन का अंदर तैयारी कर लो, लेकिन हमारा तो एक सेकेंड का भी कोई गारंटी नहीं है। निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तनीय अतो बाल्यात हरे नाम ही केवलम, निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, निश्वास कब बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं, निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तनीय अतो बाल्याद हरे नाम ही केवलम। अतो इसीलिए बचपन से ही, जब से होश आया तब से ही शुरू करो। सिरपुल्लाद महाराज जी कह रहे, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते यस्माद् यथा दुःखम अयत्नतः। यहाँ उपदेश मिला कि बिल्कुल समय खराब मत करो, बचपन से ही हरिनाम शुरू करो, बचपन से, जब से होश आया। प्रहलाद महाराज जी सावधान कर रहे हैं असुर बालकों को, अपना दोस्तों को, हे दोस्तों, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते यस्माद् यथा दुःखम अयत्नतः। सुखम ऐन्द्रियकम, सुख किसको बोला जाता है, इसका व्याख्या थोड़ी दिन पहले हो पाया। जितना तमाम इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रियों का विषय, भोग का एक एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, विषय है, विषय के साथ इंद्रियों का संयोग के द्वारा अपेक्षित कुछ सुखों का महसूस होता है, अनुभूति, इसको सुख बोला जाता है। रेस्पेक्टिव इंद्रियों का
संयोग विधान होने के बाद अपेक्षिक रूप में कुछ सुखानुभूति ये भी नित्य नहीं है, तात्कालिक। इसको बद्धजीव सुख मानता है। ऐसे तो सुख और दुख बोल के कोई डेफिनेशन, वास्तविक डेफिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख बोल के जो चीज है उसका कोई त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। भूत भविष्यत वर्तमान का जो बैकग्राउंड है, भूत भविष्यत वर्तमान का बैकग्राउंड पे अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के आधार पर इसका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस है नहीं, तो इसका क्या विचार बनाए। हाँ, यहां तक कह सकता है कि बद्ध जीवों का सामने जो चूज अपना अनुकूल महसूस होता है पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व संस्कार के अनुसार आपका बड़ा तीखा खाने का इच्छा है, और तीखा मिल गया तो आपको सुख मिला। हमारा गुरुजी को जरा सा भी कुछ गलती से भी दे दिया, अरे कितना झाल है, उहु जल रहा है, अब भास नहीं। जिसका जो पूर्व अभ्यास है, संस्कार है, संस्कार का मुताबिक जो चीज अनुकूल महसूस है, जो चीज जो अवस्था जो आदमी अनुकूल दिखता है वो उसका लिए सुख, और जो उसका पूर्व संस्कार के अनुसार प्रतिकूल दिखता है ये दुख है। जो हमारा पास दुख की कारण है दूसरों के पास दुख के कारण नहीं है, जो हमारा पास सुख की कारण है दूसरों के पास वो दुख की कारण। अर्थात ये रिलेटिव वर्ल्ड, अपेक्षिक जगत, रिलेटिव वर्ल्ड पे ये सुख दुखों का जो अनुभूतियां, ये अनुभूति कुछ नहीं है, टिकता नहीं, रहे दो पल भर के लिए और फिर चले गए, क्या ठिकाना, कुछ है नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का कहना है, सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगे न देही नाम सर्वत्र लभ्यते। देखो ये सुख और दुख जो है अपना पूर्व संस्कार के अनुसार, अपना पूर्व संस्कार के अनुसार, हे बालको हे दोस्तों, सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगे न देहो, जब जड़ देहो को प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद पूर्व संस्कार के अनुसार अपना इंद्रियों, जितना सारे इंद्रियां हैं ये तो अपना अपना जो चीज है भोगने का वो लेने के लिए तैयार है। आंखें बोलता है ये दो, जीवा बोलता है ये दो, त्वचा बोलता है ये दो, ये चलते रहता है, इसका कोई विराम नहीं है, इसका कोई विश्राम नहीं है। अनंत जन्म तक जीवों का शरीर लेना और शरीर छोड़ना और इंद्रियों के द्वारा ये सब विषय भोग करना ये स्वाभाविक है, चलते रहता है, अनंत काल का इतिहास में ये चलते रहता है, फिर भी इसका कोई निवृत्ति नहीं, क्योंकि आंख का ऊपर ज्यादा घी डालोगे, इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्टिव डालोगे, आंख और बढ़ते रहेगा। आंख का अंदर अगर इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्टिव केरोसिन है या घी है कुछ भी है डालते रहो तो ये तो निवृत्ति थोड़ी हो, निवृत्ति होने का तो कोई चांस नहीं है, तो बढ़ते रहेगा। तमाम दुनिया इस माया में उलझे हुए हैं, इतना भोग करने का बाद, इतना प्रयास प्रचेष्टा बनाने का बाद भी हैरान हो जाता है, फिर भी इसका कोई निवृत्ति है नहीं। ऐसा सिचुएशन
हाँ पूरा दुनिया में ऐसे ही अवस्था, कोई बोलता नहीं। जे देख लिया, काफी देख लिया, अभी बस करो, ऐसा नहीं। जितना भोगे, जितना चाहे, जितना भी कष्ट मिले उसका बाद, फिर भी वही वही चीज को जरूरी है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे सुखम इंद्रियकम दैत्या हे देहो योग, जब जड़ शरीर मिलता है तो मिलते ही रहता है सुख। जैसे दुख, कोई आदमी दुख नहीं मानता, कोई बोलता नहीं हमको दुख दो, एक कुंती देवी छोड़कर तमाम दुनिया बोलता है कि हमको 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 दुख चाहिए, ऐसा कौन बोलता है। प्रहलाद महाराज कह रहे कि जैसे दुख को कोई नहीं मांगता, दुख को हटाने का कोशिश में लगे हुए हैं, दुख कौन मानता, कोई नहीं मानता। यथा दुखम अयत्नतः, विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी पर्सनल एफर्ट, बिना प्रयास प्रचेष्टा दुख हमारा सामने आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, इसको कौन रोके, कौन रोकने वाला कोई नहीं है, आते रहते हैं। सुख मांगता है, सुख तो मिलता नहीं, उल्टा दुख मिल गया। बेटिया रानी का शादी थी आनंद के लिए, बड़ा बस दो महीना का था, स्वामी गया और दुख, दो महीना पहले आनंद की बाढ़ आया और दो महीना बाद आंसुओं का बाढ़ आया। ऐ दुनिया का ये इतिहास है, ये दुनिया का यही इतिहास है, इसके कोई छुटकारा है नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये तो चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, तो आपको विचार करना चाहिए ये भक्ति करने से क्या फायदा है। और अभी ये प्रश्न उठता है, ये संसार कहां से आया, क्योंकि जीवों का स्वरूप में कोई संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं। हम अहम अप्रतात्करणा निशिनिश्चयाना नाना मतो मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, ये जो श्लोक है इसको विचार करो, इसमें देखोगे जे इसमें संसार बोल के कोई चीज है नहीं। जिस्मात प्रसंग विमुखा इह संसरंती, युष्मात प्रसंग विमुखा इहो संसरंती, आपका जो विमुख वाले जो है विमुख, ये लोग इस संसार में जाते हैं। जाते हैं मतलब, जाते मतलब ये संसार जीवों का स्वरूप में नहीं है। ओम अप्रितार्थ करना निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भगन निद्रा, दैव अहतात रचना ऋषयो योपि देवा, जुष्मात प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, जुष्मात प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति, इहो संसरन्ति, संसार में जाते हैं। गम गमन, संश्री संश्री मतलब संसार में गमन करते हैं। संसार जीवों का स्वरूप में है ही नहीं, जीवों का स्वरूप में कोई संसार है नहीं, लेकिन संसार में फंस गया आया। किसी भी हालत से मानने के लिए तैयारी नहीं है, किसी भी हालत से, जितना भी समझाओ, जितना भी कुछ कुछ करो, लेकिन ये तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग का इच्छा ही नहीं। जो जाग के सो जाए उसको उठाना बहुत मुश्किल है, जो पक्का सो गया
उसको हिला दो थोड़ा जग जाए, लेकिन वो जग के ही सोया हुआ है, हम कपट है, उसको जगाए कैसे? जगे हुए को कैसे जगाए, संभव नहीं। ऐसा ही हालत है दुनिया का। युष्मात प्रसंग विमुखा यह संसरंती, ठाकुर जी आपका प्रसंग, आपको आपका प्रसंग से विमुख जो है इन लोगों के लिए संसार बना हुआ है। यस, माया देवी ये सब अरेंजमेंट करके रखा है, खट्टा मीठा चटपटी सब बना के रखा है। श्रील भक्त वल्लभ तिथि को सीमा कहते थे अक्सर, दिल्ली का लड्डू है जो खाया है वो भी वो पछताया, और जो नोक जो ना खाया वो भी पछताया। तिथि महाराज जी अक्सर बोलते थे, हंसते थे। सचमुच बात है, ये दिल्ली का लड्डू जैसा बात है, खाओ तो भी यू नो तो अफसोस करना पड़ेगा क्यों खाया, और नहीं खाया तो फिर अरे खाना जरूरी था, खाया नहीं ये तो गलती कर दी। ऐसा ही बात चलते रहते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनो यंति अंधवा, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा इसका ज्ञान जो है छुपा हुआ है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान जो है छुपा हुआ है, विद्या अविद्या दोनों ही जीव का स्वरूप में छुपा हुआ है। अनादि बहिर्मुख के कैसे आया, अगर अविद्या उसका अंदर भी छुपा हुआ है, विद्या भी है, दोनों ही है। विद्या का प्राधान्य हो कब, जब साधु संग हो। जब साधु संग हो तब अविद्या दूर हट जाए। ऐसा स्थिति संसार में आ पहुंचा, लेकिन संसार जीवों का स्वरूप में है नहीं। जुष्मात प्रसंग विमुखा इह संसरंती, और ये जो अर्जुन का जो स्थिति है, अर्जुन भगवान से विमुख नहीं है, भगवान से विमुख नहीं है, फिर भी अर्जुन को खड़ा कर दिया ठाकुर जी ऐसा स्थिति पे, जैसे कि गीता का प्रवचन हो पाए। इसीलिए अर्जुन कहाँ कहाँ से चुन चुन कर विचार प्रस्तुत कर रहा है कि अपना शोक मोहों का अनुकूल जितना सारे विचार उपस्थित करे, इतना सारे चुन चुन के पंडित का माफी, अरे गुरुजनों का बहुत तो ठीक नहीं है, जाति धर्मों नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश, इससे तो भिक्षा करना अच्छा है, ये सब सब जैसे श्लोक पहला श्लोक बताया था भगवत जी महापुराण में, जो श्लोक भगवत जी महापुराण का महिमा, असार संसार खलु दुख्ष रूप विमोह कहा श्युत कश्य धनम कश्य स्नेहवान जलते चलते अनिशम। हाँ, इस बात का अगर पक्का अनुभव हो जाए, ऐसा हो पाया, बहुत सारे ऐसा उदाहरण है। एक श्लोक सुनने के बाद, व्याख्या सुनने के बाद बने महाराज कुछ नहीं रखा है संसार में, हमको तो जाना है, बस उसी वक्त सब छोड़ के चला गया। असार संसार खोलू निश्चितमेव, ये संसार में सार कुछ नहीं है। असार संसार खोलु दुख स्वरूपी विमोह का, ये विमोहन करने वाले संसार,
इसमें कहाँ लड़का, कहाँ पत्नी, कहाँ पति, कहाँ भाई बंधु, कौन किसका है, कौन किसका है। आत्मदेव जी महाराज ने प्राण त्यागने के लिए पहुंचा जंगल में। प्राण त्यागने का कारण क्या है कि हमको कुछ नहीं मिला, लड़का लड़की कुछ नहीं है, संतान नहीं है। जब भी उसको बोला गया, एक सन्यासी बोले कि देखो आपका सात जन्म तक कोई लड़का लड़की है नहीं, बोले न हम सुनेंगे नहीं हमको लड़का दें, अपना ही तो आपका सामने हम कतकसी करेंगे, मरेंगे, मरने के लिए खड़ा हो गए। बोले रुको जी, उसका बाद जो हुआ तो सो हुआ, तकदीर का खेल है। नसीब में पुत्र नहीं है तो जरूर नहीं है तो नहीं है। ये फल तो लाया घर में, सन्यासी दिया, लेकिन ठाकुर जी का एक खेल है, देखो ये फल खिला दिया गो माता को, क्योंकि उसका तकदीर में है नहीं लड़का, कहां से आएगा, जोर जबरदस्ती करना चाहे। और बहन का लड़की, आत्मदेव जी का जो पत्नी, इनकी जो बहन का लड़का को ले आए, वो अपना गोत्रों का तो है नहीं, और वो खटिया खड़ा कर दिया। आत्मजीव जी सोचा कि क्योंकि गलती उसी का ही है, और पत्नी भी झूठा बोली ये मेरा लड़का है। अब बोले आत्मजीव बोले हमारा लड़का कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या दरकार था। हमारा लक्ष्य वस्तु का कोई ठिकाना नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य वस्तु स्थिर नहीं है, हमारा जीवन जिंदगी में जब तक अपना लक्ष्य वस्तु टारगेट स्थिर नहीं है, तब तक बेचैनी कभी नहीं जा सकता। लक्ष्य वस्तु किसका स्थिर है, भक्त का स्थिर है। तमाम दुनिया का किसी कोई भी प्रतिज्ञा करके बोल नहीं सकता कि मेरा टारगेट फिक्स है, बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं, कैसे बोले, ये हो ही नहीं सकता। जब तक परम वस्तु, परम श्रेष्ठ वस्तु का संधान ना मिले, तब तक छोटे मोटे चीजों में लगन लगे रहेगा। किसी का हिम्मत, किसी का बाप का हिम्मत नहीं उसके छुटकारा मिले। हमारा जो लक्ष्य वस्तु टारगेट है वो फिक्स होने से, फिक्स किसका है, बोले एक साधु का है। सुखम अस्थि विरक्त समूनेर एकांत जीवन, एकांत जीवन में, मुनेर एकांत जीवन में एकांत रूप से ठाकुर जी का चरण को आश्रय किया, ठाकुर जी का चिंतन में, ठाकुर जी का कथा में, ठाकुर जी का विचार में। और एकांत तो बोल के आप बोल सकते हो सॉलिटरी प्लेस, आ सॉलिटरी प्लेस निर्जन स्थान में आप भी जाओ, आपको कौन माना किया, चले जाओ दिखाओ, कौन माना किया, आप चले जाओ निर्जन स्थान में, इतना आपत्ति है आपका, चले जाओ निर्जन में, क्या फायदा है। क्योंकि निर्जन में जाओ तो अपना यही मन को तो लेके जाओ, मन को तो फेंक के नहीं जाओगे। अगर निर्जन स्थान पे पहुंचोगे, हिमालय का गुफा में या जंगल में कहीं भी जाओ, लेकिन जाओगे तो यही मन को तो लेके जाओगे, यही बद्ध मन, समस्या तो आपका किसी चीज में नहीं है, समस्या तो ये बद्ध मन का, बद्ध मन का जो अवस्थिति यही समस्या है। इसको बिना सुलझे आप चले जाओ जंगल में तो क्या फायदा, यही मन मुसीबत में फंसाने वाला। मनो एव मनुष्वानम करण बंधन अक्षयो, इस बात को आप समझा नहीं, बाकी की चीजों को लेकर समस्या है नहीं, ये मन, मनो एव मनुष्वानम कारणम बंधनम अक्षय, यही मन ही बद्ध मन आपका बंधन का कारण, यही मन जब छुटकारा मिल जाए, मुक्त हो जाए, मनो एव मनुष्वानम कारण बंधन मोक्षयो, इस बात को समझने से सारे समस्या का समाधान।
निर्जन स्थान में जाए, यही मन को बेईमान, यही बेईमान मन को, गद्दार मन को लेके जाओ तो वहां जाके भी उठपटांग करेगा। जर भरत जी महाराज जी को देख लो, कितना सुंदर वशीभूत मन है, सारे राज्य राजधानी को छोड़ दिए, कितना ऊंचा उफ परिस्थिति, और जंगल में पहुंचे, बहुत सुंदर जगह, गंडकी नदी। और वहां क्या हुआ, कुछ नहीं है, हमारा खमा का फंस गया है कि हरिण शिशु में, जो इतना खानदान का सारे संपत्ति, अपना निज पद, इतना सम्मान प्रतिष्ठा, बीवी अनप रानी, लड़का लड़की सारे छोड़ के, संपत्ति सारे वैभव, यहाँ के छोटे मोटे चीजों में फंस गया, छोटे मोटे चीजों में फंस गया। क्यों? तब तक इसका मन एब्सोल्यूट स्थिति, एब्सोल्यूट अवस्था में नहीं पहुंच पाया था। तभी भी स्थिति बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इसका जो मन का स्थिति अभी भी एब्सोल्यूट अवस्था में न पहुंच पाई थी। मन, इसका जो मन है एब्सोल्यूट स्थिति में नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए देखो, अरे एक छोटा मोटा हरिण शिशु में फंस गया। इसलिए हर हालत में ये मन जो है कभी भी बेईमानी कर सकती, इसलिए इसको विश्वास नहीं करना, मन को कभी विश्वास नहीं करना। मन को विश्वास करो कि करोगे तो धोखा खाना है जरूर। अभी ये प्रश्न आता है कि जस्याम वो श्रीयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोको मोह भयापहा। जो ठाकुर जी का चरण में लगन लगले से, जिसका कथा सुनने से लगन लगता है ठाकुर जी, जस्याम बोई बोई मन निश्चितमेव श्रुयो मानायम, इनके कथा ठाकुर जी की कथा सुनने से ही कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पन्न हो जाता, भक्ति उत्पद्धति पुंसाम शोक मोह भयापा, शोक मोह भय सारे जिंदगी भर के लिए विदा हो जाए। लेकिन अर्जुन का जो स्थिति है, बाहरी दृष्टि में लगता है कि ये पंडित है, वैराग्य को अपनाया, लेकिन शास्त्रों का विचार से अहम भूमिका में है। शास्त्रों का विचार के मुताबिक अर्जुन अभी भी अहम भूमिका में है तो भक्त नित्य पार्षद, फिर भी अभी का स्थिति यदि लीला कर रहे, अभी भी वो अहम भूमिका में है, कर्ता अहम। अगर नहीं है अहम भूमिका में तो ऐसा प्रश्न कहाँ से आ सकता है, युद्ध करे कि ना करे, कुं युद्ध करना ठीक है नहीं करना ठीक है, माने बांचना ठीक है कि मरना ठीक है, दोनों ही अपेक्षिक चीज है। माता स्पर्शा आगम पायना आद्यंत बंत कंत्यो, इसलिए नौ तेषु रमते बुधा। अर्जुन बाहरी दृष्टि में बुद्धिमान है, बुधा माने बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, तो इस चीजों में पंडित व्यक्ति नहीं फंसते। नौ तेषु रमते बुधा, तो अर्जुन तो पंडित नहीं है, अभी साबित हुआ। संशय भूमिका हर हालत में बहुत भयंकर, संशय भूमिका ये दोष, संशय भूमिका का दोष तो है ही है, ये सस्पेंडेड कंडीशन, ऑसिलेटिंग, हिल रहा है इधर उधर, ठिकाना नहीं हो रहा, ठिकाना में पहुंचता है।
ये दोनों तरफ दोनों जो प्रश्न हैं कि युद्ध करे कि ना करे, कौन से ठीक है नहीं है, ये अहंग बुद्धि है। ये दोनों क्रिया, युद्ध करो ना करो, ये दोनों दोनों जो क्रिया करता, ये अहंग, ये अहंग प्रकाश कर रहा है। आपका हृदय का स्थिति है अर्जुन, तुम्हारा हृदय की यह स्थिति है, दोनों अहंकार की कथा है। तुम युद्ध करने वाले कौन हो, नहीं करने वाले कौन हो, विजय को प्राप्त करने वाले तुम कौन हो, हैं? कर्मण्य अधिकार वस्ते, कर्मण्य अधिकार से न फलेषु कदाचन, पूर्व संस्कार का अनुसार तुम्हारा जो अभी का जो स्थिति है उसी मुताबिक तुमको कर्म करनी चाहिए, करो करते चलो, लेकिन फल विचार करने जाओ तो ये तुम्हारा हाथ का कुछ बस का कुछ नहीं है। तुम अभी कैसे बोल सकते हो कि युद्ध में जीतेंगे हम, जय को प्राप्त करेंगे और पराजय वो पराजित हो जाएंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हो? सो ये सो है अपेक्षिक सत्य है। अब अभी तक अपेक्षिक सत्य को लेके चल रहे, अभी तक आपका जो विचार है मात्रा स्पर्शा और आगम पाइना, जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जन्म और मत, ये दोनों का किसका स्टेबिलिटी है बताओ? जन्म होने से मरण है, मरण होने से जन्म है, वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो जब जन्म भये तब तब से ही आप मौत को संग लेके ही जन्म हुआ, जन्म मित्तु बतांग विरोधिहीन सहजायते। वसुदेव जी महाराज महाज्ञानी, वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो पंच को देखो, जन्म मृत्यु बतांग वीरो देहे न सह जाए थे, ठीक सही बात है। जन्म और मौत जो है वो शरीर के साथ ही पैदा हुआ, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, पक्का सच्चा बात है, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, मौत का ओर भाग रहा है, मौत का ओर भाग रहा है। एक भक्तो उसका हिसाब दूसरा है, लेकिन हर दुनिया मौत का ओर भाग रहा है। बसंत का समय पेड़ पौधा का जितना सारे पत्ता हरा भरा पत्ता सब सूखा होके धीरे धीरे गिर जाते हैं, हवा का झोंका आया पेड़ से पत्ता हिलकर अलग होकर धीरे धीरे नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा जो तकदीर है, हमारा जो नियत है, हमारा जो अवस्था है जिंदगी का, तो हिसाब तो है ही है। जब जन्म हुआ था तब उसी के साथ हिसाब किताब हमारा पास है जो हमको जाना पड़े, लिखा हुआ है कब जाना पड़े तो हमारा पता नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वो लिखा हुआ है, इस समय में आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारे देखे हैं आनंद का मुहूर्त, नया नया आवास बनाया, रहने का स्थान बनाया, वाड़ी मुकान, महाराज तकदीर का खेल है। अमेरिका से पास हुआ होम्योपैथिक डॉक्टर है, सरस्वती नदी का किनारे भक्तिमन ठाकुर का आसन के सामने, बड़ा सुंदर, हम देखते रह गए, अरे कितना सुंदर, छोटा मोटा देखने में बहुत सुंदर है, और मिस्त्री का साथ बोल, हे ठीक नहीं हुआ बहुत, तोड़ इसको, अरे मारा रहने तो नहीं, तोड़, हुआ नहीं, फिर से बना, ऐसा करके तमाम पैसा को खर्च किए, टाइल्स लगाए, न जाने क्या क्या लगाए, सब
बेसिन इधर उधर सब लगा है। और उसका बाद तकदीर का खेल, जब वो गृह प्रवेश का समय आए, गृह प्रवेश का समय काल गृह प्रवेशन आए, आज रात को शरीर को छोड़ दिए। आप सोचो क्या बात है, इतना कष्ट किए, उम्र भी ज्यादा नहीं है, इतना पैसा खर्च किए, बेचारा अपना घर में एक रात भी रहने का कुछ सुजोग नहीं मिला। जो लिखा है तो लिखा ही है, तो होना ही है, रोकने वाला कोई नहीं है, जो लिखा वही होना है। बसंत का जैसा पत्ता, हरा भरा पत्ता, बसंत काल आने से धीरे 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 सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हमारा जीवन जिंदगी में यही सुबह हुआ, यही शाम, हमको तो पता नहीं चलता। अरे विंड कम अभी चल रहा है दिन, अरे ये तो सुबह हुआ, ये रात हो गया, ये रात हो गया, सुबह हो गया, पता नहीं चलता कैसे चल रहा है दिन है? ये सब विषय पर सोचनी चाहिए। ये एक एक करके बसंत का पाता जैसे गिरते रहा, ऐसे हमारा जीवन जिंदगी का एक एक करके दिन जो है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, धीरे धीरे जा रहा है, पूरा पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, पूर्ति का ओर भाग रहा है। और किसी समय हमारा स्थिति आए, कंठम घर घुर घुर आयते, बोलने का जवान बंद हो गया, बोलने का हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। जिंदगी में कब क्या स्थिति आए कोई ठिकाना है नहीं, और इसीलिए हर वक्त यही फासला होनी चाहिए कि हमारा संशय संदेह कैसे मिट जाए, मर मिट जाए। संशय को हम रहने नहीं देंगे, क्या करे नहीं करे, नहीं नहीं नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो, ये भजन करने के लिए आए और अभी भी श्रद्धा पक्का नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। श्रील बामन गोस्वामी महाराज भी ये उत्तर देते, एक ही लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। जब तक लौकिक श्रद्धा रहे, कभी भी मुसीबत आप आ सकता, क्योंकि कच्चा है इसका जो मन का स्थिति अभी ठीक नहीं। लौकिक की श्रद्धा पक्का श्रद्धा नहीं, आ शास्त्रीय श्रद्धा मीन, शास्त्रीय श्रद्धा मीन गुरु वैष्णव का प्रवचन, शास्त्रों का लिखा हुआ वचन, इसमें विश्वास, पक्का विश्वास, ये भी होना कोई मामूली बात नहीं। शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होने के कारण, कोमल श्रद्धा व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, कोई ठिकाना है नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि देखो, आने का बाद इसका स्थिति कभी पल पल में बदल जाते हैं, हृदय का स्थिति उत्साह में ही, अभी बड़ा बड़ा उत्साह हुआ, उत्साह में ही घन तरला, बुढ़ो विकल्पा, नियम क्षमा, ये सब एक एक स्टेज, ये सब चर्चा हो चुका है अंग्रेजी कथा में, ऐसे चल रहा है। बड़ा उत्साह आया, हौसला आया, बालक वो करना शुरू कर दिया, बस घन तरला, अभी ठीक है नहीं है, घन तरला, अब थोड़ा अभी
अभी ये है थोड़ा बहुत पावर मिलता है, अभी थोड़ा लूज हो जाते हैं घनो तरल, उस समय घनो तरल बूढ़ो विकल मार्ग निश्चय नहीं हो रहा है, बहुत सारे चीजें सब समय पर चर्चा हो सकता। अभी ये बात है कि संशय आत्मा विनस्पति, संशय समाधान होनी चाहिए, और संशय समाधान करने वाला कौन है, एक गुरु वैष्णव छोड़ के कोई नहीं है। संशय को समाधान करे, जीवन जिंदगी को सुखी बनाए, वास्तव सुखी एकमात्र गुरु वैष्णव छोड़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज ये संशय भूमिका होने के कारण मन में शांति बेचैनी पैदा, अहंकार कर्तृत्व का जो भूमि है ये असत्य भूमि, अनस्टेबल लैंड, इसको हटाना चाहिए। और समाधान भागवत से ये मिल गया, ये यस्याम वैश्वयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धते पुंसम शोक मोह भयापा। शोक मोहों को हटाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है गुरु वैष्णव का पास पहुंचो। यहां गुरु बन के कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण स्वयं गुरु बन के अर्जुन का पास खड़ा हुआ है। गुरु बन के मतलब कृष्णम वंदे जगत गुरु है, गुरु तो है ही है, फिर भी अर्जुन अभी अभी स्थिति, इसी स्थिति पे भगवान को गुरु माना, अभी तक तो दोस्त माना, जो दोस्त का साथ उठना बैठना खेलना कूदना मजे में घूमना ये सब किया, अब ऐसे पल भर में कैसे, जो नियत है उसका जो नियत कैसे बदल सकता है। वो तो बोल रहा है जब हम तुम्हारा शरण में आया अब हमको बजाओ स्वाधी माम ताम प्रपन्यम, ने कहाँ तक ये बात सच्चा है ये देखना पड़े। ये तो बताया तो ठीक है, या हम तुम्हारा शरणागत हुआ स्वाधी, हमको शिक्षा करो स्वाधी माम त्वम प्रपन्यम, क्योंकि शरणागत तो नहीं होने से कोई तत्वज्ञानी व्यक्ति किसी को उपदेश देने के लिए खड़ा नहीं होते, उपदेश देने के लिए कोई एक्सेप्शन चीज है, एक्सेप्शनल चीज है। जैसे जड़ भरत जी जो है, जड़ भरत जी रूहगुण को बताना शुरू कर दिया, वो तो प्रपत्ति स्वीकार नहीं किया, फिर भी ये है एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल करुणा भरा हृदय जड़ भरत जी, ये तो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जो स्वाभाविक जो है, तस्माद गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा लेकर तस्माद गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, किसका पास जाए, भले शब्दे परिचय निस्नातम, जो शब्द ब्रह्मणी और पर ब्रह्मणी दोनों ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी दो स्वरूप है। शब्द ब्रह्म से निष्णात होने से गुरुजी मेरे को विचार करके बता सकते, देखो शास्त्र में ये लिखा है, और शब्दे परेच निष्णातम, पर ब्रह्म निष्णात होना जरूरी है, मतलब चौबीसों में चौबीसों घंटा जो भगवत सेवा में लगे हुए है वही तो सदगुरु है। ये सदगुरु का डेफिनेशन नहीं है, प्रभुपाद जी ने बताए, काल चर्चा करें। शब्दे परिचय निष्णातम, निष्णात मैंने वर्ड्स एकदम पक्का स्टेबिलिटी है, और ब्रह्मणि उपसमाश्रय, भगवान का चरण में ऐसा लगन लगा के सेवा कर रहा है, उपसमाश्रयम, उपसमाश्रयम जप ध्यान उपवास आदि सब ठाकुर जी का सेवा में लगे, उपसमाश्रयम
ऐसा मापिक तत्व ज्ञानी का सामने पहुंचने से आपका फायदा। दिखावा कोई गुरु ग्रहण कर लिया, महाराज हमारा, हम तो अभी जानते हो आप हैं, बहुत दिन 40 साल पहले दीक्षा लिए। पोपा पहले कैसा दीक्षा लिए हो महाराज, आपका कोई अभी तक दिव्य ज्ञान का कोई उन्मेष नहीं, आप कैसे। तो दीक्षा मात्र ही वास्तव दीक्षा ऐसा कहा नहीं जाए, ऐसा अगर कह दे तो अज्ञानी का मापिक बात होगी। दीक्षा मात्र से ही वो दीक्षा है ये नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है तो दीक्षा कौन काम की, कोई काम का तो है नहीं। कभी कभी तो ये बोलते महाराज रोज दीक्षा मंत्र जप करना जरूरी है क्या, हमने कहा उल्लू का पट्टा, ऐसा प्रश्न करता है। सोचो ये सब लोगों का दीक्षा देना क्या जरूरी है, हैं? हमारा खानदान में सब कितना सारे ये सब चल रहा है, मनमानी चल रहा है। चलो तो हमारा जो संशय है उसको हटाने के लिए एकमात्र तत्वज्ञानी पुरुषों के पास जाना है, लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष तब तक मेरे को कोई तत्वज्ञान को उपदेश नहीं देंगे जब तक हमारा अंदर में तद्विद्धि परिपातेनो परिवेशन सेवया। तद्विद्धि निश्चित करके जानो, तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात प्रकृष्ट रूप प्रणिपात मतलब अपना अपना अहंकार को तिलांजलि, अहंकार का गंदगी भी ना रहे। प्रणिपात इसको होता है प्रणिपात, प्रकृष्ट रूप पात मैंने दंडवत करना। परिप्रश्न मतलब जो प्रश्नों आत्मो जिज्ञासा के लिए किया जा सकता, बड़ी प्रश्न जितना अपना आत्मा मंगल का रास्ता खोल जाए, जैसे परीक्षित महाराज जी शिला परमहंस सुखदेव गोस्वामी जी के पास प्रश्न रखे, अथो पृच्छामि ये जो श्लोक है, ये श्लोक के द्वारा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास प्रश्न रख दिया, या हम क्या करें दो दिन का जिंदगी में क्या करें। तो प्रणिपात है, ये परिप्रश्न है, और सेवा सही ढंग से विचार किया जाए जो अर्जुन का अंदर में ये प्रणिपात है कि नहीं, परिप्रश्न है कि नहीं, और सेवा तो अभी तो है कि नहीं। सेवा भगवान अर्जुन का सेवा कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन क्या क्या सेवा किया ठाकुर जी का, ऐसे तो दोस्त है अंतकरण में तो है भक्ति भाव से, वो तो नित्य जगत का, लेकिन अभी जो स्थिति है इसी का विचार हो रहा है। अतो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम, यही तो प्रश्न है ना सुखदेव जी का सामने परीक्षित महाराज का, क्या प्रश्न है। अथो अथो मतलब इसीलिए, किसी लिए ये जीवन जिंदगी अनित्य है ये देखने का बाद, अथो परीक्षा में संसिद्धि जोगी नाम परम गुरु पुरुषो से हो यत कार्यम म्रियमानस सर्वथा, मरणशील मानव के लिए ये दो दिन का जिंदगी प्राप्त करने के बाद कैसे संसिद्धि, संसिद्धि तो भक्ति है, संसिद्धि भक्ति सिद्धि संसिद्धि और कुछ योग ज्ञान कुछ सिद्धि संसिद्धि कहा नहीं जाए। अथो पृच्छामि इसलिए पूछ रहा हूं आपको, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु, आप योगियों में परम गुरु है, क्यों आप बच्चा दिखने में बच्चा है 16 साल का लड़का, लड़की फिर भी सबका गुरु, सीनियोरिटी मस्ट बी गिविन प्रायोरिटी जगत का हिसाब, अपराकी जगत में ऐसा नहीं। सुखदेव कृष्ण 16 साल सब खड़ा होके सम्मान दिए, क्योंकि सम्मानीय आदमी है, गुरु है ना, भक्ति तत्व उपदेष्टा ये गुरु है,
इसलिए सारे सारे संत समाज उसको सम्मान किए, यही प्रश्न है। अर्जुन का अंदर में प्रणिपात परिवेश सेवा तीनों में क्या क्या है नहीं है, अभी तो खूब बताए, अभी तो बताए आपका चरण में शरणागत हुआ, अभी तो बताए, लेकिन ये जो स्वाधिमान तम प्रपण्यम कहां तक प्रपण्य है। अब हम प्रपण्य हैं, भगवान हंसी उड़ा है, देख जब संजय उपाध्याय जो संजय अभी कह रहे हैं कि एवं उक्ता, एवं उक्ता माने वो जो पहले का जो श्लोक बताया था हमने, ये श्लोक बोलने का बाद पहले तो बोला कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृछ्यामी तम धर्म संगुण चेता जेय सत निश्चितम ब्रूही तन्मे शिष्योस्ते अहम स्वाधीनम तम प्रबंधम। ये तो इसका तो विचार हो पाया थोड़ा वो। इसका बात नंबर वे न ही प्रपस्वामी ममापन नुद्यात जच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम मवाप्पो भूमौ अशपत्न वृद्धम राज्यम सुराणम उपी चाधिपत्यम। इसका भी व्याख्या हो पाया, किसी भी हालत से हो पाया। ये शोक को हटाने के लिए कोई नहीं, हम दिखता नहीं, कोई कोई रास्ता दिखता नहीं। इसके बाद अभी संजय कह रहे हैं कि ऐसा बोलने का बात एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुराकेश परंतपा न जत्सो इति गोविंदम उक्ता तुसिम बबुवः। यहां सोचने वाला बात है कि अपने आप को बोला, अपने खुद बोला स्वाधिमम तम प्रपण्यम, जब तुम शरणागत हो गया तो तुम्हारा विचार बुद्धि कैसे रख दिया तुम। अभी हम ये बात बोल के शुरू किया ना प्रभुपाद का, अपना कर्तृत्व अभिमान को, अपना कर्तापन को छोड़ना ही शरणागति है, भक्ति है। अपना कर्तापन को हटा देना जीवन जिंदगी से, यही भक्ति है, ये शरणागति है। लेकिन आप कैसा शरणागति कह रहे हो कि अभी कह रहे हो कि स्वाधीनम तम प्रपण्यम, प्रपन्न मतलब शरणागति, अभी कह रहे हो कि अपना विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, नौ जोत से हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे तुम युद्ध करने वाले कौन हो? जब सनातन गोसाई जी ने गौरांग चरण में सब कुछ दे दिया, सोचने वाला बात है, ये गौड़ीय दर्शन में इतना सूरा सुंदर गहरा विषय कौन सुनने वाला है? गौड़ीय दर्शन का विचार सुनने वाला कौन है? यहां तक कि बनारस यूनिवर्सिटी भी, हिंदी यूनिवर्सिटी, वहां भी गौड़ीय वेदांतों का पाठ, बोले महाराज पाठ करे कैसे, कोई है नहीं स्टूडेंट गौड़ीय वेदांत पढ़े, इसे रामानुज वेदांत तो पढ़े, कोई कोई मायावादी पढ़े, एक भी बंदा है नहीं जो राजी है सब पॉलिटिक्स छोड़ के, काटा पीटी छोड़ कर जाके थोड़ा निश्चिंत होके कोई अपना खानदान का हौसला बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, कोई है नहीं, ऐसे ही है। कोई दो एक किया वो जाके नौकरी में लग गया, चलो दक्षिण भारत में इसीलिए पढ़ाई किया, अपना संप्रदाय के लिए नहीं, कोई कोई नहीं कुछ करना चाहता है, क्या तो पैसा कमाए कि विद्या अर्जन करे, वो अपना सेवा के लिए, अपना सेवा के लिए करे। तुम अगर आत्मसमर्पण दिखाया, ठाकुर जी हंस रहे, अभी तो बोला आत्मसमर्पण किया ना स्वाधिमंतम प्रपण्य, हे बद्ध जीव तुम्हारा शरणागति देख के हमको हंसी आ रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बद्ध जीवों का जो शरणागति है देख के हंसी आ रहा है मेरे को, कैसा शरणागति, अभी बोला अब मेरे को संभालो, मेरे को शिक्षा दो, सब कुछ किया, हम शरणागत है, अभी तब तुमको बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? ये नौ जोत से कुम बो, तुम ऐसा बोल, बोलने का हिम्मत कहाँ से मिला? नौ जोत से हम युद्ध नहीं करेंगे? सनातन गोसाई को भी हमारा गुरु वर्गो सनातन गोस्वामी
इसका बारे में कीर्तन में लिखा है। जय गौरांग महाप्रभु के चरण में सब कुछ दे दिए, लेकिन जब कुंड रसा अपना स्किन डिजीज भय शरीर में और नीलाचल को पहुंचे और ठाकुर जी बार बार आके उसका आलिंगन करते हैं, बोले हमारा शरीर में ऐसा खुजली है, ये है, खून चल रहा है, दूषित दूषित खून चल रहा है, महाराज क्या करे, हमारा अपराध से मारा जाए। लेकिन ठाकुर जी सुन नहीं रहा, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रभु कहे वैष्णव शरीर प्राकृत को वो न है, प्रभु कह रहे हैं जो वैष्णव शरीर प्राकृत नहीं है, देखने में काला है, धोला है, बीमारी है, कुछ भी है, प्रभु कहे वैष्णव शरीर प्राकृत को वो नहीं। सनातन रो रहे हैं, आप क्यों ऐसा किया, बार बार माना कर रहा हूं, भाग रहा हूं। प्रभु कहे हम क्या करें, हम मजबूरी से तुमको प्यार करता है, आलिंगन करता है, क्यों क्यों आलिंगन करते हो, तुम्हारा आपका शरीर में सब लग गया। आप प्रभु कह रहे हैं कि देखो सनातन, तुम्हारा मापिक पवित्र गुण मेरा अंदर में नहीं है, तुम्हार पवित्र गुण नहीं को आमाते, इसलिए मैं आलिंगन कर रहा हूं, तुम्हारा जो पवित्र गुणावली है मेरा अंदर में नहीं है, इसीलिए आलिंगन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ऐसा तुम्हारा मापिक। अरे क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, हां आप सनातन गोसाई जी निश्चय कर लिए कि हमको अभी ये शरीर को छोड़ना ही है, क्योंकि ठाकुर जी तो मानेगा नहीं, हमको छोड़ना है। प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी आमा, तो बाप प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी पवित्र है थे। प्रभु कहे, प्रभु कह रहे हैं कि तुमको स्पर्श करे, आलिंगन करे पवित्र होने के लिए। प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी पवित्र है थे, तुम्हार पवित्र गुण नहीं तो अमा थे, तुम्हारा माँ भी पवित्र गुण हमारा। सनातन को रहा नहीं जाए, सनातन बोली ये शरीर को छोड़ना ही है, कहा करूं, कहां तक मैं भागू। निश्चय कर लिए कि रथ का नीचे अपना प्राण को देना है बलिदान, रथ यात्रा सामने। महाप्रभु आके सनातन सनातन ये कैसा विचार, कौन सी विचार, हरिदास आप ही सोचो, अगर किसी संपत्ति में आपका पास रख दिया, ये आपका हो जाएगा क्या, नहीं नहीं प्रभु आपका ही है, मेरा पास रखा हुआ है, और डिपॉजिट मानी हाँ ठीक है। तो एक ऐसे ऐसे विचार कर लिया सनातन, कोई अगर तुम्हारा सामने कोई अमानती संपत्ति रख दे तो तुम्हारा खर्चा करने का कुछ अधिकार है क्या, नहीं हमारा तो कैसे ऐसे विचार, कौन सी विचार, अरे कौन सी विचार सनातन, अगर शरीर छोड़ने से जगन्नाथ मिलता है, ठाकुर जी मिलता है, तो मैं 100-100 बार शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूं, क्या कहते हो तुम, अगर शरीर को त्याग करने से ही ठाकुर जी मिल जाए तो 100-100 बार मैं शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हूं। सनातन शरीर त्याग करने से ठाकुर जी नहीं मिलता, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो तू नहीं जानता है, अपना शरीर को छोड़ने के लिए प्रस्तुति बना रहे, बड़ा आया आत्म बलिदान करने वाले, तुम तो हमको दे दिया है, शरीर हमारा है, ये शरीर देख के मैं बहुत कुछ करने का इच्छा है, हमारा शरीर गुरु जी का है, हमारा शरीर बहुपात का है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर आप लोगों का है, आप लोगों का सेवा में, यही आदेश है ठाकुर जी का, अपना कोई हिसाब किताब वाला विचार नहीं है। तो सनातन को ऐसा समझाया, तो अर्जुन अगर ऐसा बोले तो ये विचार आता कि नहीं, जब सनातन को ठाकुर जी फटकार लगाया, तो कौन होते हैं, मेरा शरीर है ये, अर्जुन आत्मसमर्पण होने का बाद शरीर तुम्हारा कैसे रहेगा,
मन तुम्हारा कैसे रह गया, ये तुम प्रस्तुत कर लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, मानस देहो गेहो जो किछु तुम्हारो और पीनु तुआ पदे नंद किशोर, यही तो विचार है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया, मानस देहो गेहो जो किछु मोरो और पीनु तुआ पदे नंद किशोर। मानस योग मन शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, सारे जीवन जिंदगी तुम्हारा चरण में हम दे दिया, ये शरणागति है। तो मतलब अर्जुन का शरणागति पक्का नहीं है। अर्जुन तो बोल रहा है कि शरणागति है मैं, लेकिन उसका आचरण, आपका गुरु की, आपको गुरु की पा मिला कि नहीं, आप शरणागत हो कि नहीं, सारे बात को तत्वज्ञानी पुरुष आपको देखने से ही पता चलेगा, देखने से ही। देखने के साथ साथ विचार बना लेगा, ये इसका ऐसा पक्का गुरु वैष्णव जो है तत्वज्ञानी पुरुष है, उसका सामने कोई आना नहीं चाहता, जिसका वीकनेस है, उसका साथ बातें करने से, उसका साथ सामने आने से वो देख लेगा, वो पता चलेगा उसका स्थिति, हृदय की स्थिति क्या है, इसलिए भागता है, मिलता नहीं, उसका मर्जी, इसी में उसका फायदा है तो वही कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब तो है ही है। गुरु वैष्णव के सामने नहीं आना ही फायदादायक है तो ये सो यही ठीक है, ठीक है कर लो जो तुम्हारा मर्जी। संजय भी कह रहे हैं, एवं उक्ता ऋषिकेशम गुराकेश परंतपः न ज्योत्सो इति गोविंदम उक्त्वा तुष्यम बभूवहा। संजय ये कह दिया कि जो स्थिति देखा वही ऋषिकेश को ऐसा बोल के, गुराकेश मतलब निद्रा जयी परंतप महावीर ये कुंती नंदन, ये जो अर्जुन है नौ ज्योत्से ऐसा वाक्य शब्द बोलकर इति ऐसा बोल के इति कर दिया, हा हम युद्ध नहीं करेंगे, एवं मुक्ता तुसिम बभु चुप हो गया। गोविंदम उक्त्वा ऐसा करके बोल दिया, गोविंदो हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा ऋषि को उसको बता दिया। अब संजय का तरफ से विचार बनता है, अरे संजय एक ही भगवान श्री कृष्ण का दो नाम क्यों उठाया, अरे जो एक एक कह दो, कृष्ण बोल दो, कुछ भी बोल दो। पहले ऋषिकेश बोला, बाद में गोविंद बोला, ये दोनों शब्दों अंध धृतराष्ट्र का सामने कह दिया दोनों शब्दों। अरे कृष्ण के एक ही नाम बता, दोनों बताने का क्या दर, महाराज मकसद है, गहरा विचार है। हे गोविंद हम युद्ध नहीं करेंगे, ऋषिकेश को ऐसा बोल के चुप हो गया। इसका अंदर का विचार ये है कि शायद अंध धृतराष्ट्र तो ये फालतू आदमी नहीं है, अंध धृतराष्ट्र फालतू आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अंधा स्नेहों के खातिर अभी अज्ञानी जैसा बन के बैठा, लेकिन ये फालतू आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा करे, अंधापन अंधापन आ गया, बाहरी दृष्टि में अंधा है, अंतर्दृष्टि में भी अंधापन है, विचार नहीं बनता है। अरे आप जानते नहीं हो कि अपना विदुर जी महाराज कितना दफे बताए, राजन ये दुष्ट का बात मत मानो, अपना लड़का का बात मत मानो, ये ठीक नहीं है, ये गलती कह रहे है। आप जो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन मानता नहीं, मेरा अंधा स्नेह है, क्या करूं, आप जो कहते हो तो ठीक ही कह रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं, मैं क्या करूं, मेरा ये मेरा कसूर, मैं फंस गया, अंधा
अंधापन अंधा स्नेह। अगर अंध धृतराष्ट्र ये अगर अंध धृतराष्ट्र मन ही मन ये तैयार कर लिया, चलो अच्छा ही हुआ, अब कम से कम तो युद्ध बंद हो गया, काटा पीटी बंद है कि हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अर्जुन अगर ऐसा बोल दिए युद्ध नहीं करेंगे, कौन युद्ध करेगा? अर्जुन अगर युद्ध करना छोड़ दे तो तमाम कौन करेगा? युद्ध नहीं करना है तो वापस जाना है, और ठीक है काटा पीटी बंद है तो हमारा राज्य राजधानी जो है बिना कोई नुकसान निश्चय हो गया, चलो ऐसा विचार आ रहा है। किसका अंदर? अंधा धृतराष्ट्र तो है तो अंधा। इसीलिए मानो कि संजय ये दोनों कृष्ण का दोनों शब्द बताया, कृष्ण का जो दो नाम बताया, एक तो ऋषिकेश से गोविंद, हाँ इसका मतलब क्या है? बोले ये दोनों कृष्ण का ही नाम है, ये दोनों उच्चारण करके मानो कि उच्चारण करके अंध धृतराष्ट्र को तर्क दे रहा है, विचार दे रहा है कि राजन ऐसा नहीं सोचना, इसका नाम है ऋषिकेश, जितना सारे इंद्रियां हैं वो चलाने वाला, अभी ये तो मुसीबत में फंस गया अर्जुन, वो ठीक करने में कितना टाइम लगता है, ए ठीक करने में कितना टाइम लगता है ठाकुर जी को? आप ऐसा विचार मत करो। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुरा केश परंतप नौ जो से गोविंद है, गोविंद मतलब गो मतलब इंद्रियां, तमाम इंद्रियों के बस में काबू में लेकर ठिकाने पे लगाने वाला जो है उसका नाम है गोविंद, गोविंद गोवों को पालन करने वाले, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गो माता भी है, बाहरी दृष्टि में गो माता को पालन किया तो है ही है, बाहरी दृष्टि में नहीं अंतर्दृष्टि में भी है गो माता तो पालन किए ही है ठाकुर जी दिखाने के लिए, गो माता का सेवा का बिना अधूरा रह जाए सब, इसलिए ठाकुर जी का प्यारा है गो माता। तो ये बात बोलने का साथ साथ संजय अंध धृतराष्ट्र को जय मानो कि ये बताना चाहे, ऐसा मत सोचना कितना टाइम लगता है, ठाकुर जी को अर्जुन को अगर सही बना दे मन का स्थिति, अरे सारे इंद्रिय मन आदि सब इंद्रिय किसका द्वारा चल रहा है, ये तो स्वयं भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण, कितना टाइम लगता है, और ये विचार कर रहा है तो हो सकता है कि ये स्थिति बदल गया, और कितना टाइम, युद्ध अगर बंद हो गया तो बिना किसी नुकसान हमारा राज्य राजधानी सब एकदम पक्का है और क्या। और यहाँ संजय बता रहे कि नहीं ऐसा नहीं सोचना राजन, ठाकुर जी को ज़्यादा टाइम नहीं लगते, सर्वो वेद तत्वज्ञो हाँ समय नहीं लगता ठाकुर जी का, और स्नेहों के द्वारा अंतर्दृष्टि भी खो बैठा अंध धृतराष्ट्र, मन का आशा हमने बताया, मरते दम तक लोभी व्यक्ति लालची व्यक्ति मरते दम तक अपना लोभ को संवरण नहीं कर सकता, और संजय कह रहे हैं कि देखो राजन देखिए एवं मुक्ता ऐसा करके, एवं नो एवं मुक्ता ऋषिकेश, संजय भी कह रहा है कि तम उवाचो ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विसिदंत मिदम वचः। वास्तविक गीता का जो प्रवचन है यहां से शुरुआत होने वाली है,
शंकराचार्य भी भगवान ये अर्जुन का जो प्रश्न है यहाँ से अपना टीका टिप्पणी शुरू की। तम उवाच ऋषिकेश, अभी ऋषिकेश हंस थोड़ा मुस्कान देकर, मुस्कान का कारण ये क्या है? अब मुस्कान देने का क्या कारण है? ये गंभीर स्थिति है इसमें मुस्कान नहीं, ये मुस्कान ये है, हा बद्ध जीव, हा बद्ध जीव, तुम्हारा शरणागति को मैं दंडवत करता हूं। अभी ये बोला शरणागति, अब उठा लिया। मुस्कान इस बात की है कि बद्ध जीव तुम्हारा हालत देख के मेरे को हंसी आ रहा है, इसीलिए, नहीं तो हंसने का परिस्थिति, मुस्कान मुस्काने का परिस्थिति नहीं है। तम उबाचु ऋषि के सहा प्रहसन नीव भारत सेनयो रुभयोर मध्ये विषिदंत मिदम बचा, विषन्न होके घबड़ा के शोक के मारे अप्लुत होके ओ जो अर्जुन नौ ज्योत से युद्ध नौ ज्योत्सो ऐसा बोल के जो बैठ गया अर्जुन विमुख बन के, युद्ध का परान्मुख बन के बैठ गया। अभी ईश्वर ईशत मुस्कान देके अभी जवाब देना शुरू कर दी, यही यही से वास्तविक गीता प्रवचन का शुरुआत। सेनायोर उभयोर मध्ये, सेनायोर उभयोर मध्ये ये बात बोलने का कारण ये है कि ये गीता का प्रवचन दो सेनाओं का बीच में ही हुआ था, ऐसा नहीं कि दूसरा जगह हुआ। सेनायोर उभयोर मध्ये दो सेनावाहिनी का बीच में जो जगह है वहां खड़ा होके, अर्थात गीता का प्रवचन सर्व समक्ष में जनता का सन्मुख, ये नहीं सीक्रेटली हुआ, नहीं गुप्त रूप से हुआ नहीं, लेकिन प्रवचन देने के टाइम पे परात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्णचंद्र भगवान का ऐसा एक पावर है, ठाकुर जी का ऐसा ही महिमा है कि मानो को किसी को बोलने का हिम्मत ही नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी शुरू करो युद्ध, अरे युद्ध होने से टाइम खराब कर, ऐसा बोलने का किसी का हिम्मत ही नहीं है। महाराज 700 श्लोक का प्रवचन कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, समय को कैसे पकड़ लिया ठाकुर जी, इसको विज्ञान अस्त आज बोल रहा है टाइम ट्रबल, दिस कॉल एक्चुअली टाइम ट्रबल, समय चल रहा है, मैं मतलब जो समय युद्ध होने वही समय होगा, वही समय को तो प्रवचन प्रवचन कब होगा, यही तो बात है, यही तो आपका बुद्धि में ना आए, बुद्धि में कैसे विचार में कैसे आए, यह तो ठाकुर जी है, जो समय युद्ध सुने वही समय, लेकिन इसी बीच में कैसे प्रवचन हो गया, यही तो मजा है। कर्तुम अकर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ है स ईश्वर है, ईश्वर किसको बोला जाता है, शिला भक्ति तो माधव सिंह महाराज वर्तमान बांग्लादेश उस समय तो भारत है, मुस्लिम मौलवी पूछ रहे ठाकुर जी ऐसा कैसे कर दिया, बोले कि क्यों नहीं करता मौलवी साहेब, आपका अल्लाह मेरा कृष्ण क्या छोटा मोटा चीज है क्या, अनंत शक्ति संपन्न, वो एक सुई जो है ना, सुइयों का जो ये छेद है, सुइयों का छेद का अंदर से मयमन सिंह का जो इतना बड़ा हाथी इसको पास कर सकता है, सही बात है। माधव गुस्से महाराज जी ऐसा समझाते थे, तो आप क्या सोचते हो ठाकुर जी ये कर सकता, ये नहीं ठाकुर जी ये कर सकता, ले वो संभव नहीं, अरे ठाकुर जी को एक बाइंडिंग में लग दिया, ला के खड़ा कर दिया, तो ठाकुर जी तो पहले ही तो आप मायावादी का बात माफिक बात किया ना, ठाकुर जी ये कर सकता ये नहीं कर सकता, गुरु जी ये कर सकता ये ठीक नहीं है, तो मतलब मायावादी हो,
मायावादी हो तो ऐसा विचार कर दिए, अगर भक्ति है तो ऐसा विचार कभी भी आ नहीं सकता। श्रील भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज कहते थे, मौलवी साहेब आपका अल्लाह हमारा कृष्ण क्या असमर्थ है, मयमान सिंह का इतना बड़ा हाथी को सुई का जो छिद्र है उसपे इधर से उस पार भेज सकता है, इसका नाम ठाकुर जी है। सही बात है, जब हमारा ठाकुर जी का शक्ति पर, अनंत शक्ति पर ठाकुर जी का कोई भी क्रियाकर्म, चाहे रासलीला हो कुछ भी हो, इसमें कोई हमारा संशय संदेह पैदा हो गया, गुरु वैष्णव का ऊपर उसका एक्टिविटीज उसका करे, कुछ भी हमारा संशय संदेह पैदा हो गया, तो मतलब ये मरने का रास्ता खुल गया। संशय आत्मा विनाश्वती, शरीर का नाश हो तो अच्छा है लेकिन आत्मा का नाश हो ये तो हो ही नहीं सकता। शरीर का पतन हो, शरीर चले जाए तो ये स्वाभाविक है, लेकिन महाराज आत्मा का पतन अगर हो उसको उठाए कैसे, उसको कैसे उठाया जाए, एक गुरु वैष्णव का संग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कैसे उठाओ, एक तो एक ही है रास्ता, गुरु वैष्णव का संग हो जाए, कृपा हो जाए, तब तो आत्मा, आत्मा का पतन। इसे ठाकुर जी कह रहे गीता में, उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मन नैव अवसादयत, अपना अपने को उद्धार करो। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स देम दोज हेल्प देमसेल्फ, सही बात है, एक ही बात है, उद्धरेत आत्मनात्मनम, अपने को आप रक्षा करने का कोशिश करो, चेष्टा में लगे रहो। ठाकुर जी का है तो प्रयास, ठाकुर जी तो पीछे है, ठाकुर जी क्या करे, आप अपना कर्मफल को भोग कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस तो ठाकुर जी अंदर में है, लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम अपना पूर्व संस्कार के अनुसार माया देवी को आचार्य बना लिए, तो इसमें ठाकुर जी क्या करे। उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मन नहीं अवसाद, अपना आत्मा को पतन के ओर जाने मत दो, अपना आत्मवस्तु या आत्मवस्तु को पतन का ओर जाने मत दो, गया तो सत्यनाश, रोक लो, अभी भी समय है। लाला बाबू का एक नौकर नौकरिनी का एक शब्दों से हिल गया पूरा जगत, और तुम्हारा इतना बम, इतना एटम बम चार्ज हो रहा है, फिर भी तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है हृदय का। लाला बाबू जी इतना बड़ा बिजनेसमैन थे, वृंदावन में उसका मठ भी है, गोकुल चंद्रमा गोपेश्वर के सामने, ये लाला बाबू इतना बड़ा घराने का है जिसका जन्म के समय उसका दादाजी सोने का फॉयल जानते हो, फॉयल जानते हो, सोने पतला प्लेट सोने का, उसमें नौता दिया आदमी को, सोने का प्लेट। तब के जमाने में बहुत, रविंद्रनाथ ठाकुर का जो दादा है प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, वो भी ऐसा किया, चप्पल में हीरा लगाते थे, चप्पल में जो हीरा का कीमती है आज 50 करोड़ से भी ज्यादा है, 50 करोड़ में नहीं लगा रही, इतना कीमती है, वैल्यूएशन हम बोल नहीं सकता, वो चप्पल में लगाते थे दिखाने के लिए, तो कितना पावर है। ये सब यू नो, ये सब विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं हो गया। ये जो लाला बाबू का जन्म समय में जो नौता पत्र, ये सोने का फॉयल में छपा था, तो सोचो कितना ऊंचा घराना, कितना संपत्ति का मालिक। और ये जो है, ये दादा परदादा सब तो जाना ही है, सब चला गया, अब वो बिजनेस का जितना सारे बोझ है उसका ऊपर है, दिन भर लगे हुए है। अब एक दिन छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, वो बैठ के बोले बैठे कैसे रहे, थोड़ा हिसाब किताब कर दे, अभी
अरे आज का दिन तो थोड़ा आराम कर, नहीं आराम कर, आराम तो हराम बन जाएगा महाराज। और थोड़ा कुछ हिसाब के करना तो है, हमको ही करना है, किसी को करने तो गलती करते। वो करते करते अभी शाम ढलने वाली, शाम इसी समय अपना नौकरणी ये मैदान का रब से बोल, अपना किसी को बोल रही है, अरे वासना में आग आग लगा दे जल्दी, दिन जा रहा है जल्दी कर। अरे ये शब्द आया जैसे तीर जैसा, एक धक्का लगा रही, क्या बात, वासना पे आग लगा दे, हैं दिन जा रहा है, तेरा विचार नहीं है, बस अपना अंदर का चैत्य गुरु उसका जो विचार है विचार को ठिकाना में लगा दिया बस। और नौकरणी कह रही है कि दिन जा रहा है, देर हो जाएगी, तो एक जल्दी कर, इसमें आग लगा दे, वासना मतलब ये लता पता है उसको जलाना है। वासना आप जानते नहीं हो बंगला में ये बात, केले का जो छिलका निकलता है तोड़ते तोड़ते उसको वासना, उसमें एक जूस निकलता है। हमारा फूलेश्वर बाबा, फूलेश्वर प्रभु, ये तीर्थ महाराज जी का बड़ा सुंदर कीर्तन करता है, ये हमको बना के दिखाया, हमको थोड़ा ये बहुत साफा होता है, कपड़ा पपड़ा धो सब ये कॉस्टिक सोडा जैसा बनता है जला के, और उस जमाने में ये जमाना था, जला के उससे अंदर जूस निकले, वो सो ये साबुन का माफी काम हो। और यहाँ लाला बाबू का धक्का लग गया, अरे सही बात है, मेरा जीवन जीने के 60 साल का उम्र हो गया, पार कर रहे, जीवन जा रहे दिन, अब हम क्या कर रहे हैं, हाय हाय हाय, अब मौत मौत का घड़ी पहुंच गया, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तुरंत साहब हिसाब किताब का खाता फेंक दिया, बोले चलो आज मेरा बुद्धि शुद्धि हो गई, चल दिए महाराज, साहब छोड़ के चल दिए लाला बाबू। और सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज की कृपा मिला, बड़ा भजन की, कब किसका दिमाग घूम जाए, कब कौन भजन शुरू कर दे, ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए शब्द ब्रह्म सुनना जरूरी है ध्यान से, नाटकबाजी नहीं है, हरि कथा कोई नाटकबाजी नहीं है, जो सुने ध्यान से सुने। और देखो कैसा स्थिति पैदा हो गया, लाला बाबू का जिंदगी जिंदगी देखते देखते चेंज हो गया। और हमारा जिंदगी में इतना गुरु वैष्णव आए, इतना हरि कथा का कितना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी तरक्की नहीं है, क्यों, अभिमान है अंदर में। जब तक अभिमान को त्याग नहीं दे तब तक कोई भजन राज्य में एक बूंद भी 0.001 सेंटीमीटर मिलीमीटर तरक्की होने का कोई चांस नहीं है, ये पक्का कर लो। अर्जुन को थोड़ा मुस्कान दे के बात की, इसका कारण ये है, मानो कि बोलना चाहते बद्धजीव तुम्हारा शरणागति को मैं दंडवत करता हूं, यही कारण। सेनय रुभेर मध्य बोलने का तात्पर्य है, कोई छुपा के कुछ 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 छुपा छुपा के ठाकुर जी ये उपदेश नहीं दिए, और दोनों सैन्य वाहिनी प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए, इसी बीच में 700 श्लोक का प्रवचन गीता का रख दिए ठाकुर जी, ये संभव कैसे है, ये संभव इसलिए है, ये है ठाकुर जी। अगर हमारा कैलकुलेशन में एस्टिमेशन में आ जाए ठाकुर जी, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ठाकुर जी नहीं रहा, मेरा नौकर बन गया। हर आदमी का सामने युद्ध क्षेत्र में ठाकुर जी गीता का प्रवचन दिए, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा पावर है, फॉर द टाइम बीइंग ये लोगों का बोलने का कुछ हिम्मत नहीं भाई, अरे टाइम खराब है, युद्ध होना शुरू है, अरे कहाँ तक रुकेंगे, जल्दी शुरू करो, नहीं बोल रहा है, किसी का बोलने का हिम्मत नहीं,
ऋषिकेश है ना, उसका नाम गोविंद है। यही विचार सही ढंग से ये विचार को समझने का कोशिश करें आप लोग तो मंगल है। संजय बोलने का बाद अभी अर्जुन का स्थिति देखकर ऋषिकेश स्वयं गोविंद भगवान श्री भगवान वाच, अभी मजे का बात है, ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं। अब मैंने महाराज पहले भी तो देखा ठाकुर जी बोल रहे हैं कृष्ण वाचो सब, भले पहले बोला था, पहले भी ठाकुर जी बोले हैं, लेकिन ये भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म से नहीं बताए। अभी तक भी किसी किसी जगह ठाकुर जी वाचो भगवान वाचो, लेकिन ये भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है अपना जो पोजीशन है, जैसे एक बड़ा जट साहिब है घर में आए तो अपना बच्चा नंगा बच्चा का साथ खेलता है, बच्चा को घोड़े घोड़े खेलता है, अपना सर पर उठा ले, लेकिन जब अपना चियार पर पहुंचे तो ऐसा करेगा क्या? और नहीं, और घर आने से बूढ़ी मैया भी फटकार लगा दे, ए क्या किया तूने, क्या किया मैया, यह सब चलता है। चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, मैया का सामने जाके तो सर झुकाए, यहां तो ऑफिस कचौरी का नियम नहीं चले। ऐसा ही है, ठाकुर जी अभी तक बताए बहुत सी गाली भी दिए सब की, बीच में हम देखा आचार्य जी को माफिक काम किए, ये गाली देना भी आचार्य जी को माफिक काम है, गाली देना, फिर भी प्रवचन देना जो शुरू किए तो ये जो अभी जो ठाकुर जी वाचो श्री भगवान वाचो, ये पक्का ठाकुर जी का जो खुद का जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म से ठाकुर जी कह रहे हैं। ये इसका स्पेशलिटी है बहुत। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद भागवत जी महापुराण और श्रीमद भागवत गीता दोनों में अंतर क्या है? ये तो ठाकुर जी कह रहे और वहां भक्त कह रहे, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, ठाकुर जी का खुद का बात, हम फलाना है, हम ऐसा है फलाना है, ये बोलना संभव नहीं। अपना आत्म प्रशंसा कहां तक करे, थोड़ा बहुत कर दिया तो जीव सब गलती से, अरे धांधाबाज है ऐसा बोलता है, मत जाजी मैं नमस्कुरु है, अरे गलती समझ। सो अपना बात जो है अपना बोलना संभव नहीं है, नहीं हो पाती। जो अगर भक्त बोल दिया सुखदेव किया या तो ये इसका कोई बहुत मीठा सुखो मुखो सुख मुखाद अमृत तत्व संयुतम, सुख नामक जो पक्षी हैं इनके जो चंच के द्वारा ओठ के द्वारा जो फल आस्वादन हो चुका है वो फल ज्यादा मीठा, इसमें ज्यादा मीठापन महसूस हो। यही बात है ठाकुर जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पद्म पुराण में कहा ना जत स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितः, ये तो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी का बात अगर अपना भक्तों का मुखारविंद से निकाले उसमें क्या मिठास है, ज्यादा मिठास है ना। यही है तो ठाकुर जी का ये प्रसंग है, इसमें सारे बात बताए लेकिन अपना बात खुल्ला में खुल्ला बताना सही नहीं है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का रूप में आए ताकि कृष्ण का कथा कृष्ण क्या किया ये सही ढंग से बता पाए। भक्तों का रूप लेकर आए ये सुविधा होगी, क्योंकि अपना बात अपना बोलना संभव नहीं, इसलिए वेश बदलकर भक्तों का रूप में सन्यासी के रूप में आ गए, इसलिए ज्यादा मीठा है। और अभी जो भगवान उवाच हो वो सोचने वाली बात है, बहुत सुंदर
यहां से गीता का प्रवचन का वास्तव शुरुआत। ठाकुर जी खुद का जो प्लेटफॉर्म है, भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पर ऊपर खड़ा होकर ठाकुर जी अब कह रहे कि अशोचन शोचस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गता सुन गता सुश्च नानु शोचंती पंडिता। तुम तो पंडितों का माँ भी बात कर रहे थे और अभी कह रहे हो कि कैसा, आप जानते नहीं कि आत्मवस्तु नित्य वस्तु है। अस्वच्छन्न स्वच्छस्तम, जो सोचने वाला बात नहीं है उसी का ऊपर तुम ध्यान दे रहे हो, ज्यादा शोक कर रहे हो और बातें कर रहे हो कि प्रज्ञा बालांश भाषा से। प्रज्ञावान व्यक्ति ज्ञानी का माफिक बात कर रहे हो, बोलने का टाइम है, काम है उल्टा, काम है उल्टा, कह रहे हो कि पंडितों का माफिक। क्योंकि प्राण चले जाने से गता सुन गता सुश नानु सोचंती पंडिता, कोई जीवित व्यक्ति पंडित क्या मृतक की जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। पंडितो बंधम अक्षवित, भगवान श्री कृष्णो उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं, पंडित कौन है ठाकुर जी? पंडितो बंधम अक्षवित, एक शब्दों में हो गया पूरा समाधान। यानी क्या समाधान हुआ? पंडितो बंधम अक्षवित, पंडित तो वो है जो अपना बंधन किसे कैसे हो और मुक्त कैसे हो, आत्मवस्तु का जिसका पता है पूरा, वही तो सचमुच पंडित। जो शास्त्रों में मुखस्त कर लिया, मेमोरी हो सकता महाराज, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो पंडित है, ये गाधा भी हो सकता। गाधा नहीं हो तो उल्टा काम कैसे कर दिए? पंडितो बंध मोक्षभित, जो जानता है इसी में मेरा बंधन, इसी में मुक्ति और आत्मवस्तु क्या चीज है, इसको पूरा डायरेक्ट फीलिंग जिसका अंदर, वही तो पंडित है। आप बातें कह रहे हो कि पंडितों का मापिक, लेकिन पंडित कभी वास्तव पंडित कभी अनित्य वस्तु के लिए कभी शोक नहीं करते। जन्म मृत्यु बतंग विरोधीहीन सहज आए थे, जन्म और मृत मौत दोनों ही अपेक्षिक शब्द है। मृत्युर अतांत्रिक विस्तृति, मौत क्या चीज है? बोले मौत क्या कुछ नहीं है, मौत है अतांत्रिक विस्तृति। अतांत्रिक विस्तृति में जो तुम्हारा ये जन्म ऐसा हुआ, अगले जन्म में आप याद नहीं कर सकोगे। एक ही आत्मा है, आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, कर्म के फल के अनुसार आपको दूसरा जोनी में जाने का जरूरी है, जाना जरूरत है। आत्मवस्तु वही वस्तु है, आप ही हो, लेकिन आपको स्मृति नहीं रहेगी, नहीं पूर्व जन्म ये था वो था वो था, नहीं। मृत्युर अत्यांतिक विस्मृति याददाश्त को खो बैठना, लिंक पूर्वापर जो लिंक है, रेशनालिटी पूर्वापर जो लिंक है उसको खो बैठता है। जो शोक करता है ना, जो व्यक्ति शोक करता है उसका लिंक नहीं रहता, और जो विषय में उलझे रहते हैं उसका भी लिंक नहीं रहता। हरिकथा इसके लिए नहीं है, अभी ये बोले तो काल वो बोले, परसों वो बोले, क्योंकि लिंक नहीं है ना। दया तो विषय न पुंसंग संगस्ते उपजाते संजात संजात काम कामात क्रोधो भी क्रोधात भवती सन्मोह सन्मोहात स्थिति विभ्रम स्थिति विभ्रंसत बुद्धिनाश बुद्धिनाशत पनस्मि। लिंक नहीं है पूर्वापर। जो गुरु वैष्णव जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी पक्का परमहंस गुरु वैष्णव, कभी उसका लिंक नहीं टूटता है। लिंक मतलब सौत पंथा का जो लिंक है, ही इज नेवर गोइंग टू ब्रेक इट। सौत पंथा का जो लिंक है ये नहीं टूटता है, याददाश्त पक्का है।
पूर्वापर इसी को नरोत्तम ठाकुर जी ने पूर्वापर करिया विचार, जो करना है पूर्वापर करिया विचार, ये विचार रख दिया नरोत्तम ठाकुर जी। जो चीज के लिए सोचना नहीं है, रोना धोना नहीं है, इसी पुण्य के देखो पंडित कभी कभी कई 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 पक्का पंडित कभी प्राणहीन व प्राणवान व्यक्ति बस किसी के लिए कभी रोते नहीं है, समय खराब नहीं है। गता सुनु गता संश्च ऐसा है कृष्ण भगवान धीरे धीरे प्रज्ञावान व्यक्ति का मां भी बात किया, मेरे को तर्क उठाया था दृष्टे मम सज्जनम कृष्णो, हे कृष्णो ऐसा कैसे मने हैं, भिक्षा मोपियो, भिक्षा करना ठीक है, मार के कैसे चैन मैंने चैन से सोएंगे। जे सामर्थ्य कांकिना, जे जिसके लिए धन दौलत राज्य हुआ अगर चले गए तो, बड़ा पंडित का माँ पे बात किए, लेकिन आपका जो सिम्टम है लक्षण है, ये लक्षण जो है इसमें पक्का साबित है आप अज्ञान हो। क्लैव्यम अस्मागम अपार्थ नहीं तो तयी उपबद्ध थे, ये तुम्हारा लिए शोभा नहीं है, क्योंकि पहला बात तो ये है तुम अगर पंडित ही हो, तुम जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर और आत्मा वस्तु तीनों में भेद नहीं समझते हो, कैसा पंडित हो तुम, तुमको ये विचार नहीं पता कि ये जो पांच भौतिक शरीर है ये अलग है, इसका अंदर में और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर है जिसको कारण शरीर बोला जाता है, जिसके लिए हम जोनी से जोनी भटक रहा है, और ये है एक है जीवात्मा शुद्ध भूमिका, जीवात्मा तो है जो आत्म वस्तु, तीनों में फर्क नहीं समझते हो तो कहां का पंडित आ गया तुम, ये जानकारी भी तुमको नहीं है कि पांच भौतिक शरीर है, आज नहीं तो काल छूटना ही है, जो छूटना ही है उसके लिए शोक क्या करना है, जो चीज हर हालत में छूटना है ही है, किसी भी तरीका से किसी भी रास्ता कोई रास्ता नहीं इसको उसको जाने से रोके, इसको जाने से रोके, नष्ट होने से रोके, कोई है कोई तरीका है, नहीं है तरीका, तो जिसका लिए कोई रास्ता ही नहीं है वो कोई रास्ता ही नहीं। आज तक दुनिया में मौत बोल के जो चीज है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई दवा नहीं निकला, कोरोना का दवा आज नहीं तो काल निकाल सकता, प्लेग का दवा, सारे कैंसर का दवा, टीवी का दवा, सब निकल गया, फिर भी मौत बोल के जो चीज है बीमारी है इसका कोई सोल्यूशन आज तक निकाला नहीं, कोई निकाला मौत का क्या सोल्यूशन है बताओ, मेरा महाराज हमारा करोड़ों रुपया है, मौत का सोल्यूशन ही है क्या, हमारा लोकबल है महाराज बहुत, राज्य राजधानी क्या है इसमें, क्या हो क्या होने वाला इसमें, क्या होने वाला, इसी बात तो बामन जी बामन देव जी ने बताया था ना, बामन महा बामन बामन भगवान बोली महाराज कह रहे अरे क्या नादान बच्चा का अभी बात कर रहे हो ब्राह्मण, अरे ले लो हम जैसा दानवीर है, एक कंटिनेंट एक महादेश ले लो, देश ले लो, कुछ भी ले लो, गांव ले लो, अरे नहीं हमको तीन पद, कैसा है अपना स्वार्थ का ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है आपका, बच्चा का मैं भी तीन पाद भूमि क्या करोगे, इसमें कोई काम होता है, कोई बिल्डिंग बनेगा, कोई रूसी घर बनेगा, टट्टी घर, कुछ नहीं बनने वाला, क्या करोगे तुम्हें, बोले हमको यही चाहिए, देना है तो दे। उसका बाद बामन जी महाराज तर्क दिए, महाराज ब्राह्मण वैष्णवों का काम है संतुष्टि रहना, जितना जरूरी है उतना में संतुष्ट रहना, ये अनमोल संपत्ति है, किसी का अंदर में नहीं आ रहा है,
अगर आपको परीक्षा करना है तो पक्का पक्का वैष्णव जो है बामन महाराज यदि परीक्षा किया है तो देख लेते, जो सचमुच बात है, जिसका अंदर में भरपूर संतुष्टि है गुरु सेवा के द्वारा, वाणी सेवा के द्वारा भरपूर शांति को प्राप्त कर ली, अंदर में बेचैनी है तो कैसे हरि कथा बोल सकते, पूर्वा पर कोई लिंक नहीं रह सकता ना, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। पूर्वा पर करिया विचार, बामन भगवान कह रहे हैं कि देखो गय 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 राजा से लेकर जितना सारे बड़े बड़े सब हमने विचार में देखे, विचार करके देखे, गए से गए महाराज से लेकर बड़ा बड़ा राजा महाराजा दिग्विजयी तमाम जगत का आधिपत्य विस्तार करने वाले ये कोई नहीं रहा। सप्तम स्कंद में है महाराज, एक एक टुकड़ा जमीन के लिए दोनों राजा में लड़ाई भई, बड़ा भारी एक दूसरे को खून करा, लेकिन सल्यूशन क्या है? धरती देवी हंस रही है, अरे ये तेरा जमी है क्या? बोला हमारा जमी है। अच्छा तेरा जमी है, कहाँ गया वो सब? बामन महाराज कह रहे हैं कि वो तो सब गए, तो हम असंतुष्टि को आने नहीं देंगे। आज ये वस्तु मेरे को चाहिए, काल वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिलने से संतुष्टि संतुष्टि मिलेगा, मिलेगी क्या संतुष्टि? हाँ मिलेगा, मिला तो मिला नहीं। आज ये चाहिए, काल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तमाम दुनिया का संपत्ति प्रतिष्ठा कंट्रोलिंग पावर सब हमको हमारा हाथ में ठाकुर जी दे दे, जय जगदीश हरे, तब हम जय जगदीश हरे आपका आरती उतार दें, ऐसा स्थिति। इसी स्थिति में अर्जुन का जो भूमिका, महाराज जी गीता का बड़ा बेसिक चीज है, इसमें समझने से सारी दुनिया का लफड़ा खत्म, समस्या एक एक श्लोक को विचार करते जाए बहुत समय लगे, लेकिन ज्यादा समय देना भी संभव नहीं, कहाँ समय है, समय सबसे बड़ा मूल्यवान नहीं है समय, तो फिर भी कोशिश में लगे जहां तक हो जाए ठाकुर जी कराए। तस्माद गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम बांछा कल्पतरुवस्य के पास सिंधु व्यवच पतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः।